हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कांदा की सब्जी की रेसिपी। कांदा को कहीं कहीं बंडा या कंद भी बोलते हैं। कांदा अरबी की ही एक प्रजाति है, लेकिन साइज में काफ़ी बड़ा होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं कि कांदा की सब्जी कैसे बनती है। कांदा की सब्जी के लिए मैं 2 कांदा ली हूँ, वजन में 1 केजी है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। सबसे पहले इसको हम छील लेते हैं। कांदा छीलने और काटने के पहले आप ग्लोव्स पहन लें या हाथों में नींबू का रस अच्छी तरह से लगा लें, क्योंकि कंदे से किसी किसी को एलर्जी होती है और बहुत खुजली होती है। सारे कंदे को छील चुके हैं। कंदा स्लिपरी होता है और थोड़ा हार्ड होता है, इसको सावधानी पूर्वक काटें। कांदा थोड़ा हार्ड होता है, काटने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कांदे को आप छोटे या बड़े साइज में काट सकते हैं, लेकिन इस साइज का काटने पर बिल्कुल पनीर के टुकड़े जैसा दिखता है। कांदे को धोने में सावधानी बरतें। आप किसी छन्नी या जालीदार बास्केट का प्रयोग करें, किसी चमचे के सहारे रगड़ रगड़ कर कांदे को धो लें। चलिए चलते हैं गैस की ओर। कढ़ाई में सरसों तेल लिए हैं, तेल गर्म हो चुका है। सारे कांदे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कांदे को फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। पहले के 3 मिनट गैस के फ्लेम को हाई रखते हुए कांदे को फ्राई करेंगे। लास्ट के 3 मिनट गैस के फ्लेम को मीडियम रखते हुए कांदे को फ्राई कर लेंगे। इसी तरह कांदे के सभी टुकड़े को हम फ्राई कर लेंगे। कांदा बिल्कुल पनीर जैसे दिख रहा है। सब्जी के लिए मसाले पीस लेते हैं। मसालों में लहसुन, जीरा, काली मिर्च और पीली सरसों है। इन सभी को बिल्कुल बारीक पीसना है। सिलबट्टे पर पीसे मसालों का क्या कहना। इस पीसे हुए मसाले को सब्जी में डालने से सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। मसालों को आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मसाले बिल्कुल बारीक पीस चुके हैं, इसे अब हम उठा लेंगे। पीसे मसाले में अब ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। वापस चलते हैं गैस की ओर। कढ़ाई गर्म हो चुका है। कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 2 तेज़पत्ता, 2 लाल साबुत मिर्च, 1 टीस्पून मेथी डालकर अच्छी तरह से तड़का लेंगे। अब डालेंगे पीसे हुए मसाले। मसाले डालकर अच्छी तरह से मसालों को भून लेंगे। मसाले को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इन सभी को मसालों में अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर तेल रिलीज हो रहा है। मसाले अच्छी तरह से भून रहे हैं। भूनते हुए मसालों से अच्छी सुगंध आ रही है। मसाले भून चुके हैं। अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे। यहीं पर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। इस स्टेज पर गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और ग्रेवी में एक उफान आने तक का इंतज़ार करेंगे। ग्रेवी में उफान आ चुका है। यहीं पर डाल देंगे फ्राई किया हुआ कांदा। कांदे को ग्रेवी में डालने के बाद सब्जी को ढककर 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। कांदे की सब्जी को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देख लेते हैं
कांदा कितना पका हुआ है? कांदा 80% पक चुका है। इसी स्टेज पर डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाले, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। सब्जी को ढक कर वापस 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। कांदे की सब्जी बन करके तैयार है। सब्जी अच्छी तरह से पक चुका है, इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। देखने में कांदे की सब्जी बहुत ही सुंदर दिख रही है, खाने में भी स्वादिष्ट होगा। अगर ये मेरी कांदे की सब्जी की रेसिपी आपको पसंद आया हो तो मेरे इस रेसिपी को लाइक शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।